हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अपनी अर्टिगा और इसके अंदर जो है मैंने HJJ की फॉग लाइट लगाई है 4 लेंस वाली। और इसका जो है मैं आपको रिव्यू बताऊंगा इसका नाइट में, या इसका ब्राइटनेस कैसे दिखाई देगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फॉग लाइट जो है ना, ये वही फॉग लाइट है जो मैंने अपनी i20 में लगाई थी। तो i20 मैंने सोल्ड आउट कर दी है, तो उसमें से फॉग लाइट मैंने निकाल के इसके अंदर लगा दी थी। और ये जो फॉग लाइट है ना, ये इसमें अगर आपको अटैच करना है ना कार में, तो ये पूरा जुगाड़ वाला आइटम है। क्योंकि ये सब फॉग लाइट है ना, बाइक की अटैचमेंट आती है, कार की अटैचमेंट इसमें नहीं होती है। तो ये सारा चीज़ है ना, आपको जुगाड़ वाला काम आपको करना है। और ये फॉग लाइट के अंदर मैंने ना सिर्फ येलो कलर की लाइट मैंने स्टार्ट रखी है, तो वाइट मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वाइट ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाईवे पे अगर आपको नाइट में अगर आप चला रहे हो या मानसून सीज़न में चला रहे हो, तो येलो ही बेनिफिट आपको करेगा, वाइट आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही वायर उसको मैंने जॉइंट किया है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो इसको मैंने जो है ना ऐसे ग्रिल पर मैंने इसको अटैच किया हुआ है। ये ग्रिल मैंने जो है ना नया लिया है, क्योंकि जो पुराना ग्रिल था ना टूट चुका था, यहाँ से टूटा हुआ था, बीच में से टूटा हुआ था और ऊपर के साइड से टूटा हुआ था, तो इसको अटैच नहीं कर सकता था ठीक से। तो इसलिए मैंने ये ग्रिल जो है वो चेंज किया, और वो भी काफ़ी सस्ता आता है ये ग्रिल, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और यहाँ पर जो है मुझे इतना सा छोटा सा एक पोर्शन मुझे कट करना पड़ा ये, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा था, फॉग लाइट का जो इसका जो फोकस हो रहा था ना, वो सीधा नीचे ही हो रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था, तो यहाँ से कट किया। और इसका जो सपोर्टर होता है ना, ये वाला जो जो पार्ट है ना, यहाँ पे एक और ऐसी लाइन होती है, वो भी मैंने काट दिया था। तो ये फॉग लाइट जो यहाँ पे अच्छे से एकदम प्रॉपर फिट हो गया। और इसको जो मैंने उल्टा फिटिंग किया हुआ है, ठीक है, तो उल्टा फिट करने का बेनिफिट ये हो जाता है ना, येलो ऊपर हो जाता है, वाइट नीचे आ जाता है। यूजुअली क्या हो जाता है, जब ये आप सीधा फॉग लाइट लगाते हैं ना, तो वाइट ऊपर होता है, येलो नीचे होता है, क्योंकि डबल कलर की फॉग लाइट होती है, तो दोनों का फोकस है ना एक ही जगह पर आपको नहीं मिलता है, एक एक कोई भी एक ही कलर आप जो है फोकस में रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना उसको उल्टा फिटिंग किया है। और यहाँ पे जो है ना सी क्लैम्प का फिटिंग होता है इसके ऊपर, ये जो फॉग लाइट है ना, यहाँ पे सी क्लैम्प का फिटिंग होता है, जो दो होल होते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, एक ही होल पे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, और नीचे से मैंने डबल साइड का टेप मार दिया, ताकि थोड़ा सा ऊपर की साइड पे लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर डबल साइड का टेप निकाल दूंगा ना, तो इसका जो फोकस है ना, वो ऐसे नीचे हो जाएगा। तो डबल साइड का टेप लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा फॉग लाइट ऐसा ऊँचा हो जाता है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो जो फोकस है ना वो सीधा चले जाएगा। ये 4 लेंस का HJJ वाला ओरिजिनल फॉग लाइट है। ये देखिए, इसका ब्लास्टर भी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए ये ब्लास्टर है। और इसका जो वायरिंग है ना, वो डायरेक्ट मैंने इसके फॉग लाइट के वायरिंग पे मैंने जॉइंट कर दिया मैंने। तो इसका जो बटन है ना, वो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से अंदर आया हुआ है डैशबोर्ड में, तो वहीं पे मैंने उसको फिट लाइन जॉइंट कर दिया। और इसको जो मैंने बंद कर दिया, इसका वायर मैंने निकाल दिया है, इसका मतलब इसका सॉकेट ही निकाल दिया है, और डायरेक्ट इसका वायर जो है ना यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। और वो लेफ्ट साइड वाला जो फॉग लाइट है, उसको वायर वहाँ पे जॉइंट कर दिया है। तो डायरेक्ट जो है ना इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया, रिले वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने ऐसे ही लगा दिया, और डायरेक्ट मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, और अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना 55 वाट का बल्ब यूज़ होता है, वो भी उतना ही एम्पियर लेता है जितना ये एम्पियर ले रहा है, तो इसलिए जो है मैंने इसको डायरेक्ट उधर ही मैंने डाल दिया। और ये दोनों का कंबाइंड है ना, वो 5 एम्पियर का कंजम्पशन होता है, सॉरी 6 एम्पियर का, 5 से 6 एम्पियर का पावर कंजम्पशन होता है। तो मैंने डायरेक्ट है ना दोनों को एक ही लाइन पे मैंने जॉइन कर दिया, इसको जो है डायरेक्ट उधर जॉइन कर दिया, उसको उधर ही जॉइन कर दिया, रिले वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने लगा दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी 55 वाट का वो बल्ब आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उसको उसके साथ ही मैंने जॉइन कर दिया। और इसका जब मैं आपको ब्राइटनेस बता दूँ कैसा दिखाई देगा, और इसका जो ब्राइटनेस है, जो फोकस मिलेगा ना, वो सेम रहता है, आप कोई भी कार में लगाओ, किसी भी कार में अगर आपको लगाना होगा, तो ये पूरा जुगाड़ वाला आइटम है, फोकस जो है आपको सब सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्टर है। सिर्फ इसका डिफरेंस, इसका जो मतलब फ़र्क पड़ता है, वो क्या रहता है, इसका पोजीशन, आप पोजीशन देखेंगे ना, ये जो लेंथ आप देखेंगे ना, ज़मीन से ना कुछ 1.5 फुट का डिस्टेंस है, मैं आप दूर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये अप्रोक्स है ना 1.5 फिट का डिस्टेंस है, जितना ऊँचा ले लेंगे ना, तो उतना जो है आपको जो कवरेज है ना वो कम हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा ऊपर ले लेंगे तो कवरेज कम हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है ना ये अप्रॉक्स जो है ना ऐसा 1.5 फिट का मैंने डिस्टेंस रखा है। i20 में लगाया था, वो भी सेम इतने डिस्टेंस पे ही मैंने लगाया था। तो ये नीचे रहेगा ना, उतना आपको जो है ना इसका जो एरिया कवरेज जो आपको मिलेगा ना रोड पर, वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये बस इतना ही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, बस ये पूरा एक्चुअली जुगाड़ वाला आइटम है, आपको लगाना है, फिट करना है और वायरिंग करना है, बस ये हो गया। आपको जो फिटिंग के लिए आपको कुछ जगह देखना पड़ेगा, या बाकी मैंने ग्रिल पर लगा दिया, ग्रिल अभी फ़िलहाल मजबूत है क्योंकि नया ग्रिल है, इसलिए ठीक है। आपको ये साइड का भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा ये मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि ये जो है ना राउंड पार्ट है ना, फॉग लाइट नीचे ला रहा था, तो इसलिए ये इतना पार्ट मुझे कट करना पड़ा,
और ये यहाँ पे ऊपर जो ना दो स्क्रू का दो थ्रेडिंग होता है, मैंने एक ही थ्रेडिंग पे इसको लगा दिया है। तो यहाँ पे ना नीचे डबल साइड का टेप डाल दिया है, तो ये फिलहाल यहाँ पे ऐसा हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिक्स हो गया है। और यहाँ पे ऊपर से अटैच किया, बाकी कुछ नहीं, पूरा जुगाड़ वाला ही आइटम है, ऐसा कुछ नहीं। सब गाड़ी का एक्चुअली अलग अलग आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और इसका वायरिंग जो डायरेक्ट इधर ही कर दिया है, तभी जो है मैं आपको इसका नाइट का ब्राइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये दिखाई देगा। और अगर ये परचेस करना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपको जो है HJG का फॉगलाइट का ब्राइटनेस दिखाता हूँ, फोर लेंस वाला। तो इसको ऑन करते तो ये इसका ब्राइटनेस है। तो अभी जो है फिलहाल सिर्फ येल्लो स्टार्ट रखा है, वाइट मैंने बंद कर दिया क्योंकि वाइट ऐसे भी कुछ काम में नहीं आएगा, तो ये येल्लो है। और इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये अभी फुल डार्क है, यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है। और ये देखिए, तो इसको जो है मैंने कंपनी का जो ओरिजिनल बटन जो होता है, ओरिजिनल वायरिंग जो है उसी के ऊपर मैंने उसको फिट कर दिया है। और ये इसका ब्राइटनेस है, फुल लाइट है, और साइड से भी पूरा काफ़ी अच्छा कवर करेगा और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। तो ये कम से कम जो है 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, ये उतना कवर कर रहा है। वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो ये ऑफ़ कर लिया और ये इसको ऑन किया। अभी मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ साथ में, तो हेडलाइट जो है कुछ पता नहीं चलेगा, हेडलाइट का कहीं पे भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये मैं हाई बीम भी दे रहा हूँ फिर भी देखिए कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, नोटिस नहीं करेगा। इसको ऑफ कर लेता हूँ वापस, ये देखिए ऑफ करके ऐसा है दिखेगा। और ये ऑन किया, ये फुल ब्राइटनेस आपको मिलेगा ऐसा। तो ये जो फॉगलाइट है ये आपको ऐसे ही जुगाड़ वाला काम करना पड़ेगा फिटिंग करने के लिए, बाकी जो इसका जो ब्राइटनेस है ये आपको सेम ही आपको मिलेगा। आप बाइक में लगाओ, स्कूटर में लगाओ, या कार, किसी भी कार में लगाओ, सब ब्राइटनेस आपको सब सेम ही रहेगा, सिर्फ पोजीशन जो है उसका कैसे लगाते हैं वो उसका डिपेंड करता है। तो ये देखिए, तो ये ब्राइटनेस ऐसा मिलेगा आपको। और अगर आपको ये परचेस करना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।